बिहार में पुलों का गिरना लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है बिहार में इन दिनों पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा है। राज्य में बुधवार को सिर्फ एक दिन में ही कम से कम 5 पुल गिर गए। लगभग रोज ही बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं। इनमें क्या नए, क्या पुराने, क्या निर्माणाधीन, ऐसा लग रहा है पुल एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को तो हद ही हो गया, जब राज्य के 2 जिलों सिवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। एक तरफ जहां सिवान में 3 पुल ध्वस्त हुए, तो वहीं छपरा में 2 पुलों ने जल समाधि ले ली। सिवान में गंडक नदी पर बना पुल का एक पिलर धंस गया और फिर पुल टूट गया। दूसरी घटना महाराजगंज प्रखंड के तेवता पंचायत में घटी। बिहार में लगातार धराशायी हो रहे पुलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। यहां तक कि लालू यादव ने भी राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने एक्स पर 3 जुलाई को गिरे 4 पुलों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे। मुख्यमंत्री मौन, 2-2 उप मुख्यमंत्री गौन, 18 वर्षों की एनडीए सरकार बताए दोषी कौन। क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में है, इसलिए भ्रष्टाचार और अपराध ना गोदी मीडिया के लिए मुद्दा है और ना ही जातिवादी मीडिया के लिए। वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन की सरकार के लिए ये विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में हजारों करोड़ों के 10 पुल गिरने के बाद भी उन्हें विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कोई बहाना ही नहीं मिल रहा। तेजस्वी ने एक और पोस्ट में लिखा, 4 जुलाई यानी कि आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। लालू यादव के एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट में लिखा गया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसका दोष भी मुगलों, अंग्रेजों और विपक्षियों को ही दे देंगे। कल ही एक दिन में 5 पुल ढहे, 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। पुलियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। बता दें, बिहार में पुलों के ढह जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले एक साल में ही कई बड़े पुल भी गिर चुके हैं। बिहार के अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही भरभराकर नदी में गिर गया था। इसके अलावा किशनगंज में पुल टूटने की घटना सामने आई थी। मार्च महीने में सुपौल में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया था, जिसमें एक शख्स की मौत तक हो गई थी और 9 लोग घायल हो गए थे। कोशी नदी पर पुल का निर्माण चल रहा था। इसके अलावा जून 2023 में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल भी गिर गया था। ए,